नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। उत्तर पश्चिम रेलवे ने हरियाणा के एकमात्र स्टेशन ऐलनाबाद के साथ किया भेदभाव। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा बीकानेर से बिलासपुर तक चलाई गई ट्रेन अंत्योदय एक्सप्रेस का ऐलनाबाद में ठहराव न होने की वजह से शहरवासियों में नाराजगी जताई है। आज ऐलनाबाद नगर पालिका अध्यक्ष रविन्द्र लड्डा की अध्यक्षता में ऐलनाबाद के सभी सामाजिक संस्थाओं ने लिखित रूप से स्टेशन मास्टर शशिकांत को रेलवे GM के माध्यम से रेलवे मंत्रालय को ज्ञापन दिया है। इससे पहले लोकसभा सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी ने भी रेल मंत्री को पत्र लिखकर ऐलनाबाद मंडी में स्टेशन पर गाड़ी के ठहराव के लिए अवगत करवाया था। ऐलनाबाद के युवाओं और लोगों में भारी रोष देखने को मिला। आप देख रहे हैं ऐलनाबाद से LD स्वामी की ये रिपोर्ट। लोग आए हैं, किस लिए आए हैं? हमारे सेक्शन में बीकानेर से बिलासपुर नई गाड़ी चली है 047-19 और उसका ऐलनाबाद में भी तो पैसे नहीं मिला है। उस बाबत में ये लोग ज्ञापन देने आए हैं और इसमें से उसको हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। और यहाँ कितने बजे से यहाँ गाड़ी पहुँचेगी ऐलनाबाद? इसका संभावित समय यहाँ पर 5:30 के करीब रहेगा और ये स्टॉपेज मिलने के बाद में कन्फर्म होगा कि यहाँ पर कितने बजे रुकती है। तो आपको जो एक ज्ञापन दिया है, आप ये ज्ञापन कहाँ तक पहुँचाने की इच्छा है? ये हम कंट्रोल को सीनियर DOM, सीनियर DCM और DRM ऑफिस वो आगे करी फॉरवर्ड करेंगे। हनुमानगढ़ से बिलासपुर के लिए जो गाड़ी चलनी है तो ऐलनाबाद रुकवाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। इतनी बड़ी व्यापारिक मंडी है ऐलनाबाद। आज जो रेलवे डिपार्टमेंट ने बिलासपुर से बीकानेर से जो गाड़ी रवाना की है वो ऐलनाबाद स्टॉपेज ना देकर, ऐलनाबाद हरियाणा का एकमात्र रेलवे स्टेशन है, ऐसा स्टेशन है जो सिर्फ एक ही है, इस पर ना स्टॉपेज देकर ऐलनाबाद की अनदेखी की है। इसलिए यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष श्री रवि जी लड्डा के नेतृत्व में सभी भिन्न प्रकार की संस्थाएं इकट्ठी हुई हैं जिन्होंने इसका घोर विरोध किया है और हमने रेल मंत्रालय से मांग की है कि यहाँ इस गाड़ी की स्टॉपेज होनी चाहिए क्योंकि यह व्यापार का मुख्य केंद्र है। यहाँ से जयपुर भी काफ़ी सवारियाँ जाती है और बीकानेर भी जाती है। बीकानेर और जयपुर इलाज का मेन स्टेशन है, तो इसलिए हम बार बार डिमांड आपके माध्यम से यही करेंगे कि इस गाड़ी का